नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा गोरखपुर। अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा अन्नदाता रथ यात्रा कपिलवस्तु से शुरू होकर के महाराजगंज होते हुए आज गोरखपुर पहुंची, जहां पर इस रथ यात्रा का स्वागत अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा युवा प्रकोष्ठ के जिला गोरखपुर अध्यक्ष सौरभ चौधरी के नेतृत्व में गोलघर काली मंदिर के पास किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार जी एवं प्रदेश अध्यक्ष बाल कुमार पटेल जी पूर्व सांसद के द्वारा सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया गया। इसके साथ ही रथ यात्रा कुशीनगर के लिए रवाना हुई। मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा अन्नदाता रथ यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार एवं राष्ट्रीय संरक्षक नरसिंह पटेल अज्ञानी जी ने पहले तो इस रथ यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद जातिगत आरक्षण के सवाल पर कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जातिगत आरक्षण को सरकार लागू करे। स्वागत कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सौरभ चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज चौधरी, दिग्विजय पटेल, शेखर चौधरी, सुधीर सिंह, अनुरुद्ध सिंह, शैलेश चौधरी, संजय सिंह, अरविंद चौधरी, अश्वरी चौधरी, रवि प्रताप सिंह एवं बहुत सारे कर्मी उपस्थित थे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा निकला, इसका उद्देश्य क्या है? कुर्म क्षत्रिय अन्नदाता अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में कुर्म क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा भगवान बुद्ध की नगरी कपिलवस्तु से कल सुबह प्रातः 10 बजे शुरू हुई, जो वहाँ से चलते हुए हमारे रास्ते में फरेंदा, महाराजगंज होते हुए गोरखपुर आई। ये 50 जिलों में अन्नदाता रथ यात्रा चलेगी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाल कुमार जी पटेल हैं उनके नेतृत्व में कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य ये है, किसानों की समस्याएं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल, उनकी मौत की CBI जाँच कराई जाए और उनके ऊपर जो दर्ज मुकदमे थे उनके साथियों को, उसके ऊपर सभी लोगों के ऊपर उनके दर्ज मुकदमे वापस किए जाएँ, चूँकि वो तो रहे नहीं लेकिन और जो साथी थे उनके साथ उनके मुकदमे अब भी चल रहे हैं। तो महासभा की मांग है कि मुकदमे वापस लिए जाएं और जात जनगणना कराई जाए, आरक्षण और हमारी जो है जातगत जनगणना हो गई, आरक्षण हो गया और महापुरुषों, हमारे जो महापुरुष हैं उनके जो इतिहास को, जो हमारे इतिहास जो हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाया गया है, उसको महासभा मांग करती है कि उसको पाठ्यक्रम में लागू किया जाए और किसान आयोग बनाया जाए और पटेल जी की, सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, इनकी राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनाया जाए, क्योंकि हर लोगों के जितने भी महापुरुष सबके राष्ट्रीय स्मारक वहाँ बने हुए हैं। और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा डिमांड करती है कि हमारी महापुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए वहाँ। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी जो है वहाँ, जहाँ ये बंद किए गए थे आगरा में, उनको डिमांड की गई है महासभा से कि उनके वहाँ भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए और राष्ट्रीय धरोहर हमारे जो महापुरुष हैं उनको हर पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। किस मकसद को लेकर के ये रथ यात्रा निकाली है? कुर्मी क्षत्रिय महासभा अपने हक हकूक मान सम्मान के लिए ये रथ यात्रा निकाली है। ये रथ यात्रा गोरखपुर से लेकर कहाँ कहाँ तक जाएगी? पूरे प्रदेश में ये रथ यात्रा चलेगी। हम अपने नौजवानों को जगाएंगे जिनको आगे मैदान संभालना है, लोगों को चेताएंगे कि 1994 के बाद 26 साल बादों ये महाकुंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी रमाबाई मैदान अंबेडकर पार्क में, जहां आज तक किसी जाति ने इतना बड़ा जनसैलाब नहीं खड़ा किया है, जितना हमारा लक्ष्य है समाज का। तो फिर ये देखें भाई, कुर्मी लोगों को इकट्ठा करने का एक मंच है। पूरे प्रदेश से जितनी भी शाखाओं में लोग बटे हुए हैं सबको हम सजोएंगे, जो भी लोग हैं सबसे हम निवेदन करेंगे, चाहे जिस दल में हैं, लेकिन जात की व्यवस्था है अगर इस देश में तो जातिगत मंच पर चाहे जिस दल में रहें, चाहे जहाँ जिस व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, सबका आह्वान कर रहे हैं हम लोग कि एक साथ जुटिए और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा हक हकूक के लिए तैयार होइए। जातिगत जनगणना के लिए आप सरकार से क्या अपील करें? जातिगत जनगणना के लिए हम लोग सरकार पर दबाव डाल रहे हैं इसी नाते।
इस महारैली के और इस महाकुंभ के मध्य की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और सरकार नहीं कराएगी तो हम अपने हर ज़िले के पदाधिकारियों से ये निवेदन करेंगे कि आप अपने ज़िले की, जिस तरह से बरेली में हमारे लोगों ने एक बार करीब 8-10 साल पहले सरकार ने कुछ जातिगत जनगणना कराई थी जिसमें हमारी आबादी बहुत कम दिखाई थी, उसके जवाब में बरेली के हमारे लोगों ने हर घर से कम 3 गुना उससे संख्या ज़्यादा दिखाया। मैं डाटा के साथ सरकार की जो है धोखाधड़ी वही स्पष्ट हो गई, तो हम उस तरह से अपना भी काम करेंगे कि हमारे हर ज़िले से बाबू मान सिंह जी हमारे जो प्रभारी बैठे हुए हैं इस मिशन के, इन्होंने रायबरेली की पूरा बुकलेट बनाई है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं पूरे रायबरेली, तो हम अपना काम भी करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का भी आदेश हुआ है कि जातिगत जनगणना के बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जातिगत जनगणना हो जाने से तस्वीर साफ हो जाएगी कि समाज में हम क्या चाहते हैं और हमारी सरकारें क्या चाहती हैं। अगर सरकारों की मंशा साफ होती तो आज इस देश में किसी की कोई समस्या नहीं थी, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ से लेकर केंद्र तक है, अगर वो अपने हृदय को विराट करें तो कहीं कोई समस्या नहीं, न किसानों की समस्या है, न नौजवानों की समस्या है, न शिक्षा की कोई समस्या है, न रोजगार की कोई समस्या है, न कानून व्यवस्था की समस्या है। चूँकि पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक है तो कहाँ कौन सी समस्या है, लेकिन पक्षपात होता है तो आवाज़ बुलंद होती है। आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए? आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए, जाति व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था खत्म कर दीजिए तो हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है।